हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद, अ चिप लेवल मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड आईएसओ 9001 टू 2015। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट। हेलो टेक्निकल गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें वुडन टूल्स मैंने बताए थे, उसका पिक्चर मैं अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में बता रहा हूँ आपको। ये अगर आपको चाहिए तो इसे बाय कर सकते हैं आप। कल किसी भाई ने बोला था कि सही से हमको देखने नहीं मिला सर, तो आज मैं इस वीडियो में जैसे कि एक स्पेशल आयरन के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपको माइक्रो जंपरिंग के लिए कौन सा आयरन यूज करना है, उसे कैसे यूज करना है। बहुत बच्चे खरीद तो लेते हैं, परचेस तो कर लेते हैं, बट उसे यूज करने नहीं आता, तो यही चीज मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टूल्स, तीन टूल्स आते हैं इस तरह के। आप ये वाला टूल जो देख रहे हैं, इससे आपको सीपीयू वगैरह लिफ्ट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये वाला जो है ज्यादातर हम यूज करते हैं सीपीयू उठाने के लिए, एमएमसी उठाने के लिए बहुत अच्छा है। ये देख सकते हैं ये, और ये वाला जो होता है फ्रेंड, इसके सामने थोड़ा सा कट होता है, इसे ग्लू वगैरह कटिंग के लिए हम यूज करते हैं। इसका नोज थोड़ा टूटा हुआ है। तो ये तीन टूल कल मैंने बताए थे। इसका जो फोटो है बॉक्स का, मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में बता रहा हूँ, देख लीजिए। ये वाला टूल जरूर परचेस कर लीजिए। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहे तो आप गूगल में भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वुडन हैंडल्स होते हैं, लकड़ी के होते हैं, ठीक है? तो आप इसे जरूर परचेस कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको इसमें समझ आ गया होगा। ये देख सकते हैं हैंडल्स, कितने अच्छे हैंडल्स है ये। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप माइक्रो जंपरिंग के लिए अगर कोई आयरन खरीदना चाहते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा सुगुन का 10,000 का आयरन खरीद लेते हैं, या तो जेबीसी के लिए वो चले जाते हैं, क्योंकि जो गाइड करते हैं लोग प्रॉपर गाइड नहीं करते हैं फ्रेंड्स आपको। ये माइक्रो जंपरिंग के लिए जो आयरन यूज होती है, इसको ज्यादा पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है फ्रेंड्स आपको। अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करना है, स्टेंसिल्स में इन्वेस्ट करिए। एक अच्छा माइक्रोस्कोप लीजिए आप, अच्छे आप ट्वीजर लीजिए आप, अच्छा पीपड़ी पेस्ट रखिए, अच्छा फ्लक्स यूज करिए। बट एक माइक्रो जंपरिंग, कितने बार आपको माइक्रो जंपरिंग लगानी पड़ती है फ्रेंड्स? बहुत कम बार आप माइक्रो जंपरिंग लगाते हैं, और लगाते भी हैं तो उसमें एक आध दो जंपर लगाने होते हैं आपको। तो माइक्रो जंपरिंग के लिए 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का आयरन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल आयरन की बात करें, तो आप एक T12 का आयरन जरूर ले लीजिए। जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया T12 का आयरन, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये वाला, ये जो आयरन देख रहे हैं आप, ये वाला आयरन जरूर खरीद लीजिए आप। ये वाला, ये आयरन आपको बहुत अच्छा आयरन है अगर आप काम करने के लिए अगर देख रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर माइक्रो जंपरिंग के लिए अगर आपको आयरन चाहिए, तो माइक्रो जंपरिंग के लिए कोई महंगा आयरन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको यहां पे बता दूं, आप सिर्फ 100 रुपए का आयरन लेकर के माइक्रो जंपर लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये टोनी का आयरन है, यहां पे टोनी लिखकर है, आप देख सकते हैं। ये एक छोटे से कंपैक्ट बॉक्स में आता है आपको, और ये सिर्फ 100 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके सामने ये बिट होती है। अगर आप चाहें तो इसे स्क्रू ड्राइवर से इसका बिट इस तरह से निकाल सकते हैं। मैं आपको निकाल के बताने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं, इस तरह के वो ऑलरेडी 2 बिट्स 3 बिट्स आपके साथ देगा। इसको आपको रेती पे या तो फिर फाइल पे इसको घसना नहीं है फ्रेंड्स, ओनली जस्ट आपको बस इसको टिश्यू पेपर वगैरह से साफ करना है और जंपर लगाना है। हमारे टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, इसको डाल के इस तरह से रेती पे घसते हैं, और इसके सामने की बिट जो है वो खराब हो जाती है, फिर आप बार बार जो है ना दूसरी बिट ढूंढेंगे। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको यूज करने का तरीका ये है फ्रेंड्स, इसको दिन भर लगा के नहीं रखना है। बहुत सारे हमारे टेक्नीशियन भाई समझते हैं मेरा SMD, मेरा आयरन दिन भर चलता रहेगा तो मैं बहुत बड़ा टेक्नीशियन हूं, बंद करने को गलत समझते हैं। दोस्तों, ये जो आयरन है, जब आपको जंपर लगाना है तभी आप इसको यूज करिए, उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। ये 2 मिनट के अंदर गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है 2 मिनट के अंदर। बस आप आयरन को ऐसे उठा के पकड़िए, स्विच ऑन करिए, 2 मिनट के अंदर ये गर्म हो जाएगा, बहुत इजीली आपका जंपर लग जाएगा। इसे देखिए, इसका बिट कितना अच्छा है। आप इसको थोड़ा सा खराब, अगर रेती वगैरह पे घसना चाह रहे हैं, बारीक करना चाह रहे हैं, सामने से नोकीला करना चाह रहे हैं, तो भी आप इसे नोकीला कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा आयरन होता है। तो ये जो आयरन है, आप लोग माइक्रो जंपरिंग के लिए जरूर खरीदिए। ये सिर्फ 100 रुपए का आयरन आता है, तो ज्यादा 10,000-20,000 का आयरन माइक्रो जंपरिंग के लिए खरीदने का जरूरत नहीं है। इसके साथ इस तरह का प्लग आएगा आपको, बस इसे इसमें बीच में कोई भी हीट को कम ज्यादा करने के लिए कोई भी यहाँ पर रेगुलेटर का सर्किट नहीं दिया गया है, ये डायरेक्टली आपको हो जाएगा।
और बहुत बार आप ज्यादा देर लगा के रखेंगे तो यहाँ पे हीट होगा, तो यहाँ पे टेप वगैरह ऐसा लगा भी सकते हैं आप। ये देख सकते हैं ये इस तरह से बाहर आ जाता है। और ये वाली जो आयरन है फ्रेंड्स आपको सिर्फ 100 रुपए में मिलती है, ज्यादा महंगी भी नहीं है। देखिए टोनी इस पे लिखा होता है इस तरह का, और ये इसी तरह से आपको मिलेगा। यहाँ पे पकड़ना है आपको और जंपर लगा देना है, जहां भी जंपर आपको लगाना है। बहुत अच्छा आयरन है ये आयरन, एक बार यूज करिए, यूज करके बताइए आपको ये आयरन कैसा लगा। सिर्फ 100 रुपए से 150 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी मोबाइल के जो टूल बेचने वाला भाई हमारा उसके पास मिल जाएगा आपको ये आयरन। तो माइक्रो जंपरिंग के लिए जब भी जरूरत पड़े उसी टाइम पे इसको ऑन करिए, उसके बाद बंद करके रख दीजिए। अगर कंटिन्यूअसली 24 आवर्स इसको आप ऑन करके रखेंगे तो ये जल्दी खराब हो जाएगा, अदरवाइज 6 महीने जरूर चलेगा ये 100 रुपए का आयरन आपको माइक्रो जंपर लगाने। माइक्रो जंपर लगाना कब होता है फ्रेंड, जब पीसीबी हमारा कभी हैंडसेट नीचे गिर जाता है, ड्रॉप डाउन केस होता है, तो आईसीओ के अंदर से बॉल टूट जाते हैं या पीसीबी से बॉल टूट जाते हैं, या कभी आप देखे होंगे बड़ा वाला जो आयरन का बिड होता है, ये बिड हमारा ज्यादातर कॉम्पोनेंट्स के बीच में नहीं जाता है। देख सकते हैं आप कितना मोटा होता है ये, तो आपको इस तरह का बारीक सा बिट चाहिए होता है कंपोनेंट के बीच में, या आईसी के बाजू में कभी आईएसपी जंपर लगाने होते हैं क्योंकि क्लॉक कमांड डाटा की लाइन बिल्कुल बाजू में होती है, तो वहां पे आपको बारीक आयरन की जरूरत पड़ जाती है। तो आप जरूर इसे ट्राई करिए, और वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। नेक्स्ट बैच हमारा 27 जून से है, अगर चाहे तो आप कॉल करिए फोन फिक्स हैदराबाद, यूट्यूब पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, कहीं पे भी सर्च करिए, हम आपको मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ऑनलाइन सीखना है, 1 जून से बैच है हमारा, ऑनलाइन में आप सर्किट डायग्राम और सॉफ्टवेयर का और ईएमसी का काम पूरा सीख सकते हैं। अगर आपको हैंड स्किल का काम आता है, अगर आप आईसी लगाना निकलना जानते हैं, तो घर बैठे रात में 2 घंटे हमको दीजिए, आपको हम सर्किट डायग्राम का मास्टर बना देंगे। किसी भी डायग्राम को आप इजिली रीड कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं। जुड़ जाइए फोन फिक्स हैदराबाद टीम के साथ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे टेक्नीशियन भाई अपने पैसे माइक्रो जंपरिंग के लिए महंगी आयरन के पीछे डालने से बच जाए, और वही पैसे आप किसी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्क्रैप बोर्ड खरीद सकते हैं, टूल्स खरीद सकते हैं, कुछ अच्छे से अच्छा मल्टीमीटर ले सकते हैं। जंपरिंग के लिए 20,000, 25,000, 10,000 डालने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट जरूर दें, और इसी तरह से फोन फिक्स की टीम को सपोर्ट करिए, हम आपके लिए कुछ ना कुछ एक लाते रहेंगे वीडियो। थैंक यू वेरी मच।